बलरम को, बलरम के बाद फिर मोर आएगा तो सबसे पावरफुल शासक नासिरुद्दीन एक है, अलाउद्दीन नासिरुद्दीन या नासिरुद्दीन अलाउद्दीन करके है। उसके बाद इसमें आएगा खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद लोदी वंश, और उसके बाद मुगल वंश। और मुगल वंश के जैसे ही अंत होगा, मुगल वंश का अंत नहीं होता जल्दी, मुगल वंश में जो प्रोमिनेंट फिगर है, प्रमुख शासक है, तो मुगल वंश का प्रमुख शासक कौन कौन है? तो मुगल वंश का सबसे लास्ट जो प्रमुख शासक है वो है औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 1857 फ्रॉम 1707 टू 1857 सेंचुरी, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ 1857, 1857 की पहला युद्ध जिसको कहा जाता है फर्स्ट मिलिट्री रिवोल्ट या म्यूटिनी रिवोल्ट 1857 में। और 1857 में जो दिल्ली का जो मुगल बादशाह होते हैं जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर, पूरे जीवन शेरों और शायरी लिखते थे, उसको वह पूरे भारत के जो राजा होते थे, जो लोकर जितने भी राजा थे भारत के कोने कोने में, फिर से पूरा किसके पास आया? बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली में आता है और कहता है कि ब्रिटिश के भगाने के लिए ही नहीं, आप मेरे यहां एक लंबे समय से आपने मेरे राज्य में राज किया, आपने हम सभी का राजा रह चुके हैं, तो मैं फिर से आपको राजा मान लेता हूं और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत से निकालने के लिए जो भी अथक प्रयास किया जाएगा हम आप आगे आगे पीछे पीछे हम लोग रहेंगे। इस पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को पकड़ करके और जेल में, अपने देश के जेल में नहीं वर्मा के रंगून जेल में डाल दिया जहां पर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। और 1857 के बाद जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से होता है? सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से होता है? यह एक संस्था बन जाती है, एक प्लेटफॉर्म बन जाती है, एक मंच बनाया जाता है भारतीय इंडियन इंटेलेक्चुअल के द्वारा, ताकि भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वह इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आकर के और भारत के जनता और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में जो संबंध है और जो समस्याएं हैं उस समस्याएं का अंत कैसे होगा, और इस पर आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आकर के इसका सदस्य बनता है। और हर साल एक मीटिंग होता है हर स्टेट के प्रत्येक जिला में, हर साल मीटिंग होता है, और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन गई जो 1885 से लेकर के 1947 तक काम करता रहा भारत में, और लास्ट तक जो है वह संस्था भारत को इंडिपेंडेंट किया, और यह संस्था बाद में चल करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा देश को आजाद करवाया गया, और फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अभी भी जिसका अभी उत्तराधिकारी कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तराधिकारी कौन है? राहुल गांधी। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब देश आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रमुख नेता थे वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केशव भाई पटेल, सी आर राजगोपालाचारी, ये तमाम राजेंद्र प्रसाद, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो डेवलपमेंट किया गया उस समय ये सभी के सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे।
रिवॉल्यूशन। तो ये आपके हिस्ट्री का पीक पॉइंट है और यहाँ से आपका 1885। फिर आपके इम्पोर्टेंट डेट जो होगा वो कौन सा डेट होगा इम्पोर्टेंट, 1885 के बाद 1905 बंगाल का विभाजन और फिर 1907 का फिर सूरत फूट यू नो सूरत का विभाजन, जहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो खेमे में बढ़ जाती है, दो घेरे में बढ़ जाती है, दो ब्लॉक में बढ़ जाती है, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। देखो ये बात याद रखना, गरम दल और नरम दल, क्योंकि गरम दल का विचार रहा क्या आइडियोलॉजी ऑफ दल, जो गरम दल है वह चाहता है कि वैसे भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, हम लड़ के लेंगे आजादी, हमको जो आजादी करने के लिए अगर हिंसक कार्रवाई भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। दूसरा होता है नरम दल, नरम दल कहता है नहीं हम आजादी रिक्वेस्ट करके लेंगे, बिहोरा करके लेंगे, विनती करके लेंगे। इसी पर दोनों का अनुबंध होती है, सूरत फूट हो जाती है। फिर आप देखोगे महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-21 में स्टार्ट होती है, उसके बैकग्राउंड में फिर आप देखोगे जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ द जलियांवाला बाग, इसे आप बोलते हैं किचलू और सतपाल महाराज दोनों ने मिलकर जलियांवाला बाग पंजाब में जाकर के जनता को एड्रेस करता है, जनता को संबोधित करता रहता है। अचानक जनरल डायर को पता चलता है और कम से कम जलियांवाला बाग में लाखों की संख्या में बच्चे चच्चे इवन गर्भवती महिला भी उस भाषण को सुनने के लिए आई हुई थी, अचानक गया और चारों तरफ से मशीन गन बंदूक चलाता है और छोटे बच्चे भी मारे गए, बड़े बच्चे भी मारे गए, सबके सब मारे गए और अंतिम में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है 1921-22 में। फिर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, फिर महात्मा गांधी, फिर चौरी चौरा कांड होता है जिसको पुलिस चौकी को जला दी जाती है, पुलिस चौकी को बर्बाद किया जाता है, सरकार से सीधा टकराव करता है कौन, सरकार से ज्यादा जनता टकराव करती है। इस दुख से दुखी होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है, कहता है